सासी है फिश पॉन्ड, तो उसके बाद हम दिखाएंगे आपको फिश पॉन्ड का व्यू। सामान है डिक्की का, चलो
इस वक्त हम तीन चार गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी गाड़ी एक ही सामने खड़ी है, तो हम कुछ आदमी इसमें कुछ बाकी पीछे आ रहे हैं, दो गाड़ियाँ आगे हैं। तो मेरे दीदी जी हैं, बड़े कमजोर हैं ये, कर दे रहे थे ठीक है। तो ये हमारे भांजा जी हैं आयुष, ये हमारे भांजा जी हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। आपको जगह कैसी लगी? अच्छी लगी? मामू का चैनल को बोलना, सब्सक्राइब करना, बोलना लाइक भी करना, शेयर भी करना, और यहाँ जरूर आना पदरी में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ भाई, थैंक यू। Secret style.
तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल का मशहूर और खास ये रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं आपके लास्ट फ्लोर में ऊपर, वहाँ से आपको दिखाएंगे, यहाँ का व्यू दिखाएंगे, यहाँ की फैसिलिटी दिखाएंगे, किस किस्म की है यहाँ। हमने दो रातें काटी यहाँ, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम बहुत अच्छे रहे हैं। मैं हर एक व्यूअर से और जो भी यहाँ आने वाला बंदा होता है, जो भी कोई यहाँ पिकनिक आना चाहता है, तो इस होटल में रुकिए, यहाँ देखिए यहाँ कितनी सुविधा है। और यहाँ के जो लोग हैं इनकी मतलब जो यहाँ की सेवा करते हैं बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रखते हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये। इस वक्त हम जा रहे हैं लिफ्ट में, ये भैया जी हैं, ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं। तो हम इस वक्त सेकेंड फ्लोर में हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ का व्यू जो है। हम रात को यहाँ पर ही रुके थे इस होटल में। ये रहा रेस्टोरेंट, यहाँ हम रुके हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, आए यहाँ देखें, इनकी फैसिलिटी देखें, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी है, किसी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं है। यहाँ मीटिंग हॉल भी है, मीटिंग भी कर सकते हो, और किसी को मीटिंग करनी हो। लाइट है यहाँ तो, यहाँ ये डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। यहाँ आप जब रात को रुक सकते हो, फैमिली ला सकते हो। फैमिली के अलावा अगर आपको बर्थडे पार्टी है कोई, आप वो भी यहाँ कर सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पर आप रुक सकते हो। ये डाइनिंग टेबल है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और इनके जो मेन चीज आपको बताऊँ कि इनके जो होटल है बड़ी काफ़ी अच्छी बजट में है। यहाँ आप एक होम की तरह फ्री रह सकते हो, और अच्छे बजट में, और फाइव स्टार टाइप इनका होटल है। आप आए यहाँ देखें, रुकें, फ्री हो जाए। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, यहाँ का एड्रेस बताएं। सबसे पहले तो आपको मैं नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम विजय है जी। यहाँ का एड्रेस है विलेज बुकरी जी, चंबा और हिमाचल प्रदेश जी। तो भैया यहाँ आप, यहाँ से आप जब ढलोजी से आओगे तो आप चमेरा लेक होके भी आ सकते हो, बाया चंबा होके भी आ सकते हो। ये पड़ता है चमेरा लेक से हमारा, ये पड़ता है 20 किलोमीटर की दूरी पे, और चंबा से आओगे तो 18 किलोमीटर की दूरी पर हमारा होटल। तो भैया आप ये बताएं कि यहाँ क्या, किस रेंज में आपको यहाँ रूम देंगे? सर हमारा यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल रूम में भी प्राइस में रूम मिल जाएगा, और हाई से हाई, जैसे एसी रूम में, एसी में चाहिए विदाउट बालकनी चाहिए। यहाँ फैसिलिटी क्या रहेगी आपकी? सर अगर एसी में आप रूम ले रहे हो तो उसमें आपको एमएसी पर जैसे प्लान के हिसाब से हम खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह सब फ्री करते हैं। और यहाँ पे घूमने के लिए साइड पे बहुत साइड प्लेस है, द्वाट महादेव नज़दीक थी, और यहाँ पे भद्रकाली टेम्पल जो है साथ में ही है जी। ये कितना दूर है यहाँ से भद्रकाली टेम्पल? सर भद्रकाली टेम्पल यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। और द्वार महादेव जो यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं तो मतलब वो यहाँ रुकते हैं काफी टाइम एंजॉय करते हैं। अभी तो हमारा जैसे कि सात पास का सीजन चला हुआ है, तो जो भी सात पास के लिए यहाँ से जाएगा तो यहीं पे आकर रुकेगा, वापस जो आएगा वो यहाँ पे स्टे करेगा। जैसे कि हमने, आप गाइस देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। मैं सच बताऊं कि हमें इतना मज़ा आया कि इतना आज तक मैंने काफ़ी दुनिया घूमी, लेकिन ऐसा रेस्टोरेंट हमें और यहाँ की फैसिलिटी और इन लोगों का प्यार मोहब्बत जो हमें मिला, ये हमें कहीं नहीं मिला। हमने
इनको ऑनलाइन ही होटल इनका बुक किया हुआ था, कल भी हम फोन कर रहे थे, ऑनलाइन बुक किया हुआ था, उसने बुक करके रखा था और हर एक किस्म की फैसिलिटी हमें मिली, जैसे कि आपको दिखा रहे थे, देखो यहाँ डाइनिंग टेबल है इनके लगे हुए, खाने पीने की सुविधा यहाँ मिलेगी, बर्थडे पार्टी कोई हो वो भी यहाँ कर सकते हैं, या और कोई शादी विवाह की पार्टी हो वो भी यहाँ कर सकते हैं। साथ में इनके भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ मैरिज हॉल भी है, यहाँ कोई शादी ब्याह भी कर सकते हैं, अगर कोई हो तो वो भी यहाँ फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, वो भी यहाँ फंक्शन हो सकता है। आइए दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट चलेंगे भाई साहब के साथ साथ ही चलेंगे, ये स्टेयर्स हैं, नेक्स्ट के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। तो मैंने खुद ही इनको कहा कि हम स्टेयर से चढ़ेंगे, सीढ़ियों से चढ़ेंगे, लिफ्ट से मजा नहीं आएगा, ब्लॉक का अच्छा लगेगा। तो क्योंकि ये भाई साहब हैं, ये देखिए, देखो ये रूम है, आपको रूम दिखाना चाहेंगे, देखो कितना सुंदर कितना खूबसूरत रूम है ये, लेकिन इस रेस्टोरेंट का ये नॉर्मल रूम है। आप ये सोचो कि अगर ये रूम नॉर्मल है तो जो अच्छे रूम होंगे, हाईफाई रूम होंगे, वो किस तरह के होंगे, आपको ये देखकर दिखाना चाहेंगे, पूरी आपको फैसिलिटी दिखाना चाहेंगे। ये अलमीरा लगी हुई है, यहाँ आप अपने सामान वगैरह कपड़े वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। तो ये साथ में ये बेड लगा हुआ है, यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं आराम से, ये साथ में बाथरूम है, यहाँ टीवी वगैरह लगे हुए हैं। तो ये इनका कहना है कि हमारे लिए नॉर्मल रूम है। तो देखिए कितना अच्छा है, खूबसूरत है, जो अच्छे रूम हैं इनके वो इससे और ज़्यादा अच्छे होंगे, एसी लगे होंगे, डेकोरेट किए होंगे। मैं सब व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या टूरिस्ट जो भी यहाँ आते हैं, यहाँ रुकिए, यहाँ का नज़ारा देखिए, ये मेन जगह है, ये सेंटर है, यहाँ से और भी पिकनिक स्पॉट हैं जहाँ लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अभी मेले लगे हुए हैं तो इनके पास तकरीबन हर वक्त बुकिंग रहती है। इनका नंबर है भैया, अपना नंबर बताना चाहोगे, अगर किसी को भी ऑनलाइन बुकिंग करनी है इनका नंबर सुनिए, आप यहाँ की बुकिंग कर सकते हैं। नंबर है 9310-25-66-73, एक बार फिर से बताइए आराम आराम से, 9310-25-66-73, ये इनका नंबर है, अगर आपको कहीं भी बुकिंग करनी हो इनको फोन कर सकते। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं चंबा चौगान में, तो थोड़ा सा हमने ये गाड़ी की पार्किंग की हुई आपको दिखाना चाहेंगे, ये है गाड़ियों की पार्किंग, यहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई हैं, तो हमने अपना सिलेंडर राशन वगैरह जो भी बनाने का था हमने लाया है साथ में, क्या हुआ ये हम कर रहे हैं अपनी कुकिंग, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ कर हम अपनी कुकिंग बनाने की, क्या हुआ कि हमारे पास दो बच्चियाँ हैं, हमने सारा सिस्टम अपना लाया हुआ है, तो बच्चियाँ ये हमारे राइस रेडी है, तो उसको दिखाना चाहेंगे, राइस रेडी है, तो यहाँ पर हम अपना खाना कुकिंग कर रहे हैं, तीन देर में खाना बन चुका है। ये पार्किंग दिखाना चाहूँगा आपको गाड़ी की, मैं गाड़ी की पार्किंग है, हमने गाड़ी लगाई है अपनी, ये हमारे अंशु जी हैं, शराबी नहीं करते पापा, वीडियो बंद करिए। तकरीबन हमारा खाना तैयार है, अब इसके बाद जो भी यूज होंगे अच्छे से आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही। Thank you.
दोस्तों से उत्तम चंबे चौगान में खड़े हैं। अब देख रहे हैं ये मिंजरू का मेला है जो तकरीबन 8 दिन लग रहे थे। अंशु इधर आओ, जो भी तो इधर ही बैठे हैं वो दीदी शायद। चलो इधर ही होंगे, चलो अंदर वाले शायद। चलो वो कहाँ गए, बोल रहा है जा भी लो ना। अंदर का एंट्री पता है कहाँ से एंट्री कर, उनको फोन करेंगे। रुको इतना एंट्री देखेंगे ना कहाँ से। अंशु कहाँ भी हो रहे हैं यहाँ। ओ अंशु
वीडियो बनाने वाले तो खड़ा हो गया ना, जो मिल जाएगा शायद। Hey,